मेरे प्यारे दोस्तों, मेडिकल एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप जो है महीने के 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो अगर आपका काम ठीक तरीके से चल गया तो। तो दोस्तों मेडिकल एजेंसी खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि रिसेंटली खींचे हुए हों, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आपकी जो है बी फार्मा या फिर डी फार्मा आपने किया है तो उसकी फाइनल की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और दोस्तों आपको यूनिक आईडी फार्मासिस्ट की और आप दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है, और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आपको जो एक्सपीरियंस लेटर है वो किसी भी फार्मेसी पे, आपने अगर 5 साल वर्क किया है किसी भी एजेंसी पे तो उसका आपको फार्मेसी लेटर वहाँ से बनवाना होगा, और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको का लगेगा तो 5 ईयर का रेंट एग्रीमेंट ऑफ शॉप, मतलब जो है आपकी दुकान का 5 साल का रेंट एग्रीमेंट अगर रेंट पर दुकान है, और अगर अपनी दुकान है तो उसकी ओनरशिप आपकी लगेगी। और उसके बाद आपको दोस्तों एक फ्रिज की रसीद, एक लाइट इलेक्ट्रिसिटी की रसीद जो कि आपका बिल, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की रसीद आपको लगाना पड़ेगी बिजली के बिल की। और उसके बाद आपको जो है दोस्तों एसी की रसीद, शॉप का मैप, मतलब एक मैप बनवाना होगा आपकी शॉप किस एरिया में आती है, शॉप का मैप, और उसके बाद एक शॉप का फ़ोटो, खाली फ़ोटो, आपने जो शॉप खोली है मतलब जो आपका एजेंसी है उसकी खाली रैंकों का एक फ़ोटो होना चाहिए, वो भी दोस्तों लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जितने हमने आपको ये साइड में दिखा रखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर ऑनलाइन साइबर कैफ़े में जाना है, या फिर अगर आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप जो है कंप्यूटर में जाएंगे और एक वेबसाइट खोलेंगे UPFDA, और यहाँ से दोस्तों आप जो है ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे जो कि ऑनलाइन प्रोसेस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन करना है, इसकी स्टेप को फॉलो करना है, और यहाँ पर कुछ फ़ीस जाती है, उस फीस को आपको सबमिट करके जब दोस्तों आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये फॉरवर्ड हो जाएगी DI ऑफिस, ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके ऑफिस में ये चली जाएगी। उसके बाद जो ड्रग इंस्पेक्टर सर हैं वो आपके इस एजेंसी पर विज़िट करेंगे और आकर सब कुछ देखेंगे, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, और अगर उन्हें हर सब चीज़ करेक्ट लगी तो वो इस एप्लीकेशन को DLA सर को जो है फॉरवर्ड कर देंगे। दोस्तों DLA जो होते हैं ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी, वो पूरे एक सूबे के होते हैं, मतलब एक जो है कई ज़िलों के होते हैं, तो उनको फॉरवर्ड कर देंगे अगर उन्हें भी सब कुछ ठीक लगा, करेक्ट लगा DLA सर को, तो वो आपके जो है लाइसेंस को जनरेट कर देंगे। दोस्तों लाइसेंस को आपको का जब जनरेट हो जाएगा आप इसका प्रिंट आउट इसी वेबसाइट से निकालेंगे FDA की, और अपनी जो है एजेंसी पर चिपका देंगे, जिसे हम दोस्तों ड्रग लाइसेंस कहते हैं, जो कि होलसेल का ड्रग लाइसेंस होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपनी एजेंसी को सी पर बैठ सकते हैं और मेडिसिन सेल कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसमें अगर मेडिसिन की बात करें कि हमें एजेंसी में मेडिसिन कितनी रखनी है, तो दोस्तों आपके एजेंसी में मिनिमम 10 लाख रुपए की मेडिसिन होनी चाहिए। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है मेडिकल एजेंसी खोलने के बारे में। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने एक छोटी सी वीडियो में आपको को जो है काफ़ी जानकारी दे दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ फॉरवर्ड करनी होगी, ऑनलाइन करना होगा, सारा मैंने आपको प्रक्रिया बता दी है छोटी सी वीडियो में ही। तो इसलिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।